ये है iQOO 11 5G प्रीमियम स्मार्टफोन। तो ये है इसका बॉक्स पैक और ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट का उपयोग किया गया है। तो ये है हैंडसेट, लेजेंड कलर, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है, नया तो नहीं है लेकिन अभी भी अमेजिंग लगता है। बॉक्स में ये कार्ड है, सिम ट्रे इजेक्टर पिन, टाइप सी टू ऑडियो जैक अडैप्टर, ये है टाइप सी टू टाइप सी केबल। और अच्छी बात यह है कि बॉक्स में आपको 120 वॉट का चार्जर भी मिलता है। सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर दिया है, आप दो नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं, इसमें माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन नहीं है। अब इस हैंडसेट का जो डिज़ाइन है आपने दूसरे iQOO के स्मार्टफोन्स पर भी देखा होगा। इस पर प्रीमियम सिलिकॉन लेदर मटेरियल का उपयोग किया गया है। ये ट्रेडिशनल PU लेदर जो है उसके कंपैरिजन में इसकी जो क्वालिटी है ये सुपीरियर है, अच्छी है। और ये कुछ हद तक डस्ट को रेजिस्ट करता है, प्लस इसका जो लुक है ये ऐसा ही रहने वाला है काफ़ी सालों तक, एंटी एजिंग परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। इस हैंडसेट की यूनिक चीज़ है स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 जो कि एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट है और ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें ये चिपसेट यूज़ किया गया है। V2 चिप है। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें, मैंने इस पर ये गीक बेंच 5 रन किया है, वैसे एंटीटू स्कोर आपको तकरीबन 13 लैक्स के आसपास मिल सकता है। इसी से आप समझ गए होंगे कि ये कितना पावरफुल है। इसका जो 5G स्पीड है इससे मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ, मुझे डाउनलोड स्पीड मिला है 611 Mbps और अपलोड स्पीड कम है लेकिन डाउनलोड स्पीड काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल जो हैंडसेट का फील है ये भी काफ़ी अच्छा है। पीछे जो मटेरियल यूज़ किया गया है इससे आपको काफ़ी बढ़िया ग्रिप मिलता है और अच्छा फील भी मिलता है। बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन है, गेम खेलने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मैं गेम खेल रहा हूँ, वेरी हाई और हाई क्वालिटी में। डिस्प्ले की क्वालिटी और जो स्मूथनेस है, ग्राफिक्स की क्वालिटी, टच रिस्पॉन्स अमेजिंग लेवल का है। हैवी से हैवी एप्लीकेशन से बढ़िया आसानी से हैंडल कर पाएगा। और ये जो हैंडसेट है ज़्यादा हीटअप भी नहीं होता है, वैसे आजकल सर्दी का मौसम है लेकिन गर्मी के मौसम में भी ये जो हैंडसेट है ये इतना ज़्यादा हीटअप नहीं होगा। डिस्प्ले प्रीमियम लेवल का है, ये 2K 144Hz E6 डिस्प्ले है, AMOLED डिस्प्ले, 6.78 इंचेस, 1800 nits ब्राइटनेस, धूप में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल होगा। और ये जो स्क्रीन है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्रोटेक्शन के साथ में आता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन आप इतना सेट कर सकते हैं 2K, और अगर आप UI यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 120Hz का रिफ्रेश रेट ही मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा है, मोर देन सफिशेंट है। वैसे ज़्यादा करके रिव्यूज़ ऐसा करते हैं, जो नॉर्मल यूज़र होता है वो आराम से स्क्रॉलिंग करता है और जो ऐप है उसके पास जाके क्लिक करता है या फिर यहाँ पर डायरेक्टली सर्च मारता है, तो उन्हें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसमें OIS अल्ट्रा सेंसिंग कैमरा है, 50 MP GN5 अल्ट्रा वाइड एंगल, टेलीफोटो और पोर्ट्रेट कैमरा भी इसमें दिया हुआ है। फ्रंट कैमरा 16 MP का है। इसकी कैमरा क्वालिटी से मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। ये देखिए जो शॉट्स आप देख रहे हैं ये मैंने आउटडोर में शूट किया हुआ है। वैसे ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स हैं आउटडोर में आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स देते हैं और यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स मिलता है, प्लस बहुत सारे इफेक्ट्स एंड फिल्टर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे शॉट्स मैंने लिया हुआ है, लॉन्ग शॉट्स भी काफ़ी अच्छा शूट कर लेता है। मैंने यहाँ पर अलग अलग फ़िल्टर ऑप्शंस यूज़ किया है और उससे भी आपको काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकता है। और ये कुछ फास्ट एक्शन शॉट्स मैंने शूट किया हुआ है, ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है। ऑफकोर्स यहाँ पर टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो आप पर डिपेंड करता है। और ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं ये मैंने रात के समय शूट किया हुआ है, काफ़ी इंप्रेसिव है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो स्मार्टफोन है इस प्रकार के शॉट्स शूट कर सकता है। ये देखिए ऐसा लगता है जैसे कि किसी DSLR कैमरे का उपयोग किया गया है। और इन जनरल जो नाइट शॉट्स है ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है, सेल्फी भी बहुत ही बढ़िया शूट करता है। और ये देखिए ये कुछ वीडियोज़ हैं, यहाँ पर मैं चल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा भाग भी रहा हूँ। इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि इसकी जो स्टेबिलिटी है ये कैसी है, और जूम का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ये वीडियो मैं बहुत ही लो लाइट कंडीशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस कार के अंदर काफ़ी डार्कनेस है, ये देखिए सब्जेक्ट का जो फेस है काफ़ी क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। इसमें जो GN5 सेंसर यूज़ किया है, डुअल पिक्सल प्रो टेक्नोलॉजी, ये ऑटोफोकस को इम्प्रूव करता है और ऑफकोर्स जो रेजोल्यूशन है 50 MP में शूट कर सकता है। बैटरी परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है इस हैंडसेट में, इसमें 5000 mAh की बैटरी है और जो 120 वॉट का चार्जर दिया हुआ है उसे यूज़ करके इसमें जो बैटरी है उसे आप तकरीबन 25 मिनट्स में फुल चार्ज कर पाएंगे। तो ये है iQOO 11 प्रीमियम कैटेगरी का स्मार्टफोन है और ऑफकोर्स ये प्रीमियम कैटेगरी के प्राइसिंग के साथ में आने वाला है। इसका जो प्राइसिंग है ये शुरू होता है 59,999
₹99 से। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।